हेलो दोस्तों, नॉलेज प्रोवाइडर से मैं अनुराग जी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो है हम लोग हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसको जो है हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर आपका हड़प्पा सभ्यता से था, उसके उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मैंने जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको दे दिया। अब दूसरा जो चैप्टर था आपका राजा किसान नगर और आरंभिक राज्य तथा अब अर्थव्यवस्था, उसको भी जो है हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उसके भी ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों एक और खुशखबरी आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है, कि अब जो है 17 तारीख से मैं 3 वीडियो रोज़ जो है अपलोड करूंगा, ठीक है। 3 वीडियो, एक आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगा, दूसरा आपको 1:30 बजे में मिलेगा, ठीक है, और तीसरा जो है आपको शाम में 6 बजे जो है मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। और नया चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और जो है हम लोग क्या करेंगे, 10 जनवरी तक का लक्ष्य रख देते हैं। 10 जनवरी तक सारे ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला देखिए आप इस चैप्टर का जो है आपका पहला क्वेश्चन है, वो है मनुस्मृति के अनुसार स्त्री कितने प्रकार से संपत्ति का अर्जन कर सकती है। तो यहाँ पे है मनुस्मृति के अनुसार स्त्री जो है 6 प्रकार से संपत्ति का अर्जन कर सकती है। दूसरा है महाभारत के रचनाकार कौन थे। तो महाभारत के रचनाकार आप लोगों को पता होगा, वेद व्यास जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाभारत के किस पर्व में भीष्म ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। तो आदि पर्व में जो है महाभारत, महाभारत के जो है में जो पर्व है, ठीक है, वो आदि पर्व में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख भीष्म ने किए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। तो महाभारत का युद्ध जो है आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट देखिए, भीष्म का दूसरा नाम क्या था। तो भीष्म का जो दूसरा नाम था वो था देवव्रत, ठीक है, इसको गंगा पुत्र भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। तो महाभारत का युद्ध आप लोगों को पता होगा कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी। तो महाभारत की रचना जो है आपका संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के कुल कितनी अध्याय हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं, ठीक है। 18 अध्याय का जो है ये महाभारत है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। तो महाभारत का जो है शांति पर्व है उसमें जो है वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, ठीक है, जहाँ पे अर्जुन और कर्ण के बीच भी विवाद बढ़ा इस चीज़ को लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यज्ञवल्क्य स्मृति के रचनाकार बताइए, ठीक है, रचनाकाल बताइए। तो रचनाकाल क्या हो जाएगा इसका, 100 ईस्वी, 100 से 300 ईस्वी के बीच जो है यज्ञवल्क्य स्मृति का रचनाकाल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाभारत काल में ज्योतिष के आधार पर माने जाने वाले नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो महाभारत के महाभारत काल में ज्योतिष का आधार जो है 27 नक्षत्र जो है, उसमें कुल 27 नक्षत्रों का जिक्र किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाभारत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो महाभारत का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद वो किए थे मोहन गांगुली किए थे, ठीक है, ये याद रख लीजिए, ये आपका बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो है पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। चलिए और दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसको 2 स्टार लगा सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, सत सहस्त्र संहिता के नाम से किस ग्रंथ की को जाना जाता है। सत सहस्त्र, ठीक है, सत सहस्त्र के मतलब 1000, ठीक है, 100 हज़ार जो है संहिता के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, महाभारत को जो है जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग 3 नाम देख लिए, क्या, सहस्त्र सहस्त्र संहिता और जय संहिता और महाभारत, ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुरुवंश की राजधानी थी। तो कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर, जानते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स विलिकन्स ने किस ग्रंथ
का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो चार्ल्स विल्किंस किस भाषा का किया थे? तो ये जो है आपका हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता का जो है इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था। सबसे पहला किसने किया था? तो मोहन भागवत ने। चलिए नेक्स्ट, मोहन भागवत, मोहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहन भागवत नहीं होगा यार, मिस्ट्री, वो तो RSS के हैं, मिस्ट्री ऑफ महाभारता के लेखक कौन है? मिस्ट्री ऑफ महाभारता के लेखक जो हैं NV सरडानी हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग VVI कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों VVI क्वेश्चन को जो है ना आप लोग लिख लिया करो किसी कॉपी में, ताकि जो है एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको देख जरूर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोरेन सेन द्वारा लिखित पुस्तक है, तो सोरेन सेन द्वारा लिखित पुस्तक जो है इंडेक्स है, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और कीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है एक बार में तो दो बार वीडियो देख लिया करो, ठीक है, ताकि याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? तो बलपूर्वक जो है विवाह करना राक्षस विवाह का काम था, ठीक है। राक्षस विवाह में क्या होता है? बलपूर्वक किसी कन्या से विवाह कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एकलव्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? तो एकलव्य की कथा जो है महाभारत के आदि पर्व में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पार्थव नामक नवीन जाति का संबंध किससे है? तो पार्थव नामक नवीन जाति का जो संबंध था वो ब्राह्मण और वैश्य दोनों से था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था तो उसका वध किसके पुत्र ने किया था? तो अभिमन्यु का जो है जब चक्र में फंसा हुआ था तो कर्ण ने किया था, ठीक है। तो कर्ण किनके पुत्र थे? तो अभिमन्यु का वध यहाँ पे दे रहा है दुशासन, ठीक है, लेकिन कर्ण लास्ट में जो है वध कर्ण ने किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो कामंदक द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो माफ़ कीजिए एक मिनट, चलिए देखिए, कामंदक द्वारा लिखित पुस्तक क्या हो जाएगा? तो कामंदक द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो आपका नीति शास्त्र हो जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।